बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस डायरी के प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको जिस कुरानी आयत और जिस मुजरब दुआ के बारे में बताऊंगी, वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की वो दुआ है जो उन्होंने इंतहाई मुसीबत, परेशानी और बेबसी के वक्त पढ़ी। इस आयत का वजीफा बहुत ही मुजरब और खास है। ये एक ऐसा वजीफा है जो कि हर मकसद, हर हाजत और हर दिली तमन्ना पूरी कर देगा। चाहे कोई भी दुआ हो, हाजत हो, मकसद हो, किसी मर्ज से छुटकारा चाहते हो, कोई भी परेशानी हो, ये अमल किसी मौजजे से कम नहीं। इस अमल से आपकी हर हाजत पूरी होगी, कोई भी हो 100% पूरा करवा सकते हैं। मकसद कोई भी हो, शादी का, तालीम का, इम्तिहान का, नौकरी का, मुकदमे का, गर्ल्स के कोई भी मकसद हो, एक दिन के अंदर अंदर आपकी हर हाजत पूरी होगी अल्लाह ताला के फजलो करम से। अगर आप इस आयत के इस वजीफे को अपना मामूल बना लें तो आपको अपनी जिंदगी में बेहिसाब खुशियाँ मिलेंगी। जिस मकसद के लिए इस वजीफे को करेंगे वो मकसद अल्लाह ताला के हुक्म से पूरा होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने ये वजीफा करना कैसे है। इस वजीफे को आप नमाज फजर के बाद या नमाज इशा के बाद कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आपको ये अमल बावजू हालत में करना होगा। अब इस वजीफे को करने का तरीका तवज्जो से सुन लीजिए। आपने सबसे पहले अव्वल आखिर तीन तीन मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आपने सूरतुल कमर आयत नंबर 10 फदा रब्बाहु अन्नी मग़लूबुन फंतसी 100 मरतबा पढ़नी है। इस आयत के साथ साथ आपने ये कलिमात ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अजीम 300 मरतबा पढ़ने हैं। यानी पहले तीन बार अव्वलन दुरूद पाक पढ़े, फिर 100 बार ये आयत फदा रब्बाहु अन्नी मग़लूबुन फंतसिर पढ़े, और उसके बाद 300 बार ये कलिमात ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अजीम पढ़े। इस अमल के मुकम्मल करने के बाद फिर अल्लाह पाक से अपनी जो भी हाजत हो उसके लिए दुआ मांग लें। इंशाल्लाह ताला आपकी हर किस्म की हाजत पूरी होगी और जो भी आपका मसला होगा वो अल्लाह ताला के फजलो करम से हल हो जाएगा। चाहे नौकरी का मसला हो, रिस्क की तंगी का मसला हो, शादी का मसला हो, या मालो दौलत में बरकत चाहती हो, जो भी मसला हो, जो भी मकसद हो, उसके लिए दुआ मांगे और अल्लाह ताला के फजलो करम से हर मुश्किल दूर होगी, हर दुआ कबूल होगी। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।